नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम अपने MI स्मार्ट टीवी के साथ पेन ड्राइव को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो है जो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने स्मार्ट टीवी की बैक साइड पे पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, टीवी के साथ पेन ड्राइव कनेक्ट हो जाने के बाद हमने क्या करना है, और उसके बाद दोस्तों हमने अपने टीवी का रिमोट लेना है, और हमने अपने टीवी के रिमोट से MI मोड है जो ऑन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी MI मोड है जो ऑन कर रखा है, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ऊपर है जो डॉट्स आ रही हैं, हमने इस पर है जो क्लिक कर लेना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको USB है जो मेंशन होना शुरू हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, दोस्तों आप देख सकते हो डिवाइसेस में पेन ड्राइव का सिंबल शो हो रहा है, जो अभी हमने पेन ड्राइव कनेक्ट की है वो हमारी पेन ड्राइव है जो यहाँ पर शो करती है, और साथ में ये लोकल स्टोरेज है जो हमारी टीवी की इंटरनल स्टोरेज है उसको यहाँ पर ये मेंशन करता है। तो हमने अपनी पेन ड्राइव पे है जो क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, हमारी पेन ड्राइव है जो ओपन हो चुकी है, और दोस्तों आपने जो भी अपनी पेन ड्राइव में डाटा डाल रखा होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो देख सकते हो, अगर हमने कोई मूवी वॉच करनी है तो हम मूवी पे क्लिक कर लेंगे, और मूवी पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारी मूवी है जो वॉच होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आप इस तरह है जो अपनी पेन ड्राइव को अपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।